25 दिसंबर आ गया है, ईसा जयंती मनाई जा रही है। इस दिन ईसा मसीहा बनकर दुनिया में अवतरित हुए थे। यह सभी देशों में फैले हुए ईसाई समुदाय का सबसे बड़ा पर्व तो है ही। यह दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद में विविध समुदायों के लोगों को एक साथ लाने वाला पर्व भी है। ईसा जयंती की रौनक बढ़ाने वाली कुछ चीजें हैं जो सबको पसंद होती है। ईसा की पैदाइश का नजारा पेश करने वाला क्रिसमस क्रिब या झांकी, सब लोगों को इनाम देने वाला क्रिसमस ट्री, बच्चों में चॉकलेट बांटकर उनके साथ खेलने वाला सांता क्लॉस या संत निकलस, छोटे बड़े सबके मुंह में मिठास भरने वाला क्रिसमस केक तथा ईश्वरीय निष्ठा को जाहिर करने वाली मोमबत्तियां, उनमें कुछ खास है। जाहिर सी बात है कि ईसवी सन ईसा के जन्म से नाता रखता है, जिसके अनुसार इंसान का इतिहास ईसा पूर्व और ईसा पश्चात के रूप में दो हिस्सों में जाना जाता है। पूरे विश्व में माना जाने वाला यह पंचांग दुनिया के लिए ईसा का एक अहम योगदान है, यह कहना जायज लगता है। ईसा शब्द का अर्थ आजाद करना है तथा उनके उपनाम इमैनुअल का अर्थ ईश्वर हमारे साथ है। बस यही जीवन में उनका मिशन भी था, दुनिया में ईश्वर को जाहिर करते हुए तरह तरह की गुलामी से इंसान को आजाद करना तथा हर इंसान को यह एहसास दिलाना कि ईश्वर हमारे साथ है। ईसा का सबसे बुलंद रूप गुरु का है, जो कि इंसानियत और ईश्वरता के सार्वजनिक मूल्यों के साथ साथ क्रांतिकारी विचारों का एक बड़ा खजाना है। लिखा गया है, ईसा गौशाला में जानवरों के बीच पैदा हुए थे। मतलब है, पैदा होने के लिए उन्हें इंसान का घर नसीब नहीं हुआ। खैर, बेघरों, लाचारों, कमजोरों और हाशिए की ओर सरकाए हुओं की किस्मत में साझा होना एक अलौकिक करिश्मा नहीं तो क्या है। नतीजा यह भी हुआ, इंसान और जानवर के बीच क्या अमीर और गरीब, बड़े और छोटे, ताकतवर और ताकतहीन के बीच का असली फर्क भी तमाम हो गया। ईसा ने खुद को पितासा ईश्वर के बेटे के रूप में अनुभव किया तथा हर इंसान को उनका बेटा और बेटी घोषित किया। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि हर इंसान एक दूजे के लिए भाई और बहन है। इंसान के समूचे समुदाय को एक ईश्वरीय परिवार बनाने के लिए यही आपकी आध्यात्मिक कला थी, जिसे भारत में हम लोग वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। साथ ही ईसा ने पिता ईश्वर के स्वभाव को कुछ इस प्रकार प्रकट किया कि वह भले और बुरे में फर्क नहीं करते हुए दोनों को सूरज की रोशनी और बारिश का पानी बराबर देता है। मतलब है, समभाव की 100% ही ईश्वर की पूर्णता है। यही इंसान की आध्यात्मिक साधना की बुनियाद भी, मंजिल भी। प्यार को
जिंदगी के केंद्र में रखकर इंसान और ईश्वर की दोनों दिशाओं में तालमेल बना रहे, इसके लिए ईसा ने दो स्वर्णिम नियम दिए। पहला है, जैसा व्यवहार तुम दूसरों से चाहते हो वैसा ही व्यवहार उनके साथ भी किया करो। दूसरा है, तुमने इंसान के लिए जो कुछ किया, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, वह तुमने ईश्वर के लिए ही किया। क्या गजब की बात है, ईश्वर की तरफ इंसान का रास्ता साथ ही इंसानों के जरिए ही है। इतना ही नहीं, ईसा ने गुरु होकर भी विनम्र होकर अपने चेलों के पैर धोए तथा सलीब पर टंगे होकर अपने गुनहगारों को बिलाशर्त माफ किया। सेवा और माफी की ऐसी चरम मिसाल दुनिया में पहली बार इंसानी और खुदाई ऊंचाइयों की निशानियां बनी। साथ साथ ईसा की असीम गुरुता का सबूत भी पेश हुआ, जो कि बाकायदा काबिल ए तारीफ है। इस प्रकार गुरु, भाई, दोस्त, साथी, हकीम, नए जीवन का सौता आदि तमाम रूपों में ईसा सबके लिए अपने आप में खुशखबरी बने रहे। खास तौर पर मुरझाए हुओं और मुर्दों को नई जिंदगी देते देते अपने मसीहाई जीवन को एक अनोखे मिशन के रूप में चरितार्थ किया, जो कि अपने आप में एक जबरदस्त परंपरा है। अंत में सबके लायक प्रेमी पिता के रूप में ईश्वर की पूर्णता को सम्यक रूप से साधने के लिए तथा प्यार, सेवा, माफी, बराबरी, साझेदारी और पारिवारिक भावना के जरिए अपनी जिंदगी और समाज को बेहतर और बेहतरीन करने के लिए, दोस्तों, हमें ईसा मसीहा से प्रेरणा और ताकत लेनी होगी। ईसा मसीहा के जन्मोत्सव के पुनीत मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज नई दिल्ली की तरफ से मैं ईसाई समुदाय के तमाम बहनों और भाइयों को तथा सभी समुदायों के अपने साथियों और दोस्तों को ईसा जयंती की ढेर सारी बधाइयां और मंगल कामनाएं पेश करता हूं। नया साल 2021 में आप सब स्वस्थ, सुखी और खुश रहें। धन्यवाद।